यह है किंग चार्ल्स टू, यह है उनके माता पिता और ये उनका पूरा परिवार। कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है? वेल, पूरे परिवार का ये जबड़ा यूं आगे इस तरीके से है, राइट? बट किंग चार्ल्स टू स्पेसिफिकली के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उनके पूरे शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। उनका दिल सिकुड़ कर एक काली मिर्ची के दाने के बराबर हो चुका था। उनके फेफड़े और अतड़ियां पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। दिमाग में पूरा पानी भर चुका था। और हाँ, उनके पास बस एक ही टेस्टिकल था, वो भी पूरा कोयले की तरह सड़ चुका था। अब इनके और इनके पूरे परिवार का ऐसा आश्रय होने के पीछे वजह क्या थी? एक शब्द, इन ब्रीडिंग, यानी अपने ही परिवार में शादी करना। पर क्या सच्ची में ये हम इंसानों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है? आखिर हमारे भारत में भी तो कई धर्मों में और कई जातों में ऐसा किया जा रहा है आज भी। एंड एनिमल्स, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट डॉग्स? उनमें तो अपने ही सगे भाई या बहन से ही मेट करके बच्चा पैदा करना भी कॉमन है, तो इन्हें क्यों कुछ नहीं हो रहा? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। तो देखो, ये काफी सिंपल है। ब्रीडिंग का मतलब दो पेरेंट्स में हुए मेटिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एक बच्चे का जन्म होना, और इन ब्रीडिंग का मतलब सेम ब्लडलाइन के साथ मेटिंग करके एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। एग्जांपल के लिए चाचा भांजी भाई बहन या फिर कजिन भाई बहन, कोई भी चलेगा, बस शादी करने वाला कपल सेम फैमिली या सेम ब्लडलाइन से बिलोंग करना जरूरी है। अब अगर देखा जाए तो इन ब्रीडिंग ये टर्मिनोलॉजी एनालॉजिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, ऑल्दो नॉट इन अ गुड वे, बट इसे मोस्टली यूज किया जाता है इंसानियत पर मंडराते हुए खतरे के तौर पर। और खतरे से मेरा मतलब है जिंदगी भर अपाहिज बनना या फिर मरने का खतरा। और यही तो वजह है जिसकी वजह से चाइना, ताइवान और यूएस के 30 स्टेट्स ने इन ब्रीडिंग को बैन कर दिया है। सो द क्वेश्चन हियर स्टिल स्टैंड्स कि क्यों खुद की फैमिली या सेम ब्लड लाइन में मेट करने से पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग को मौत से खतरा हो सकता है, और ये खतरा आखिर क्यों है? वेल, इसे समझने के लिए आइए एक केस स्टडी पढ़ते हैं। द हाउस ऑफ हैब्सबर्ग, हैब्सबर्ग यूरोपियन रॉयल फैमिलीज में से एक नामचीन फैमिली थी जिसने कई सारी लड़ाइयों को जीतकर स्पेन और साथ ही उसके आसपास मौजूद सभी एम्पायर्स पर अपनी पावर बनाए रखी थी। अब सोचो, इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर होने के बावजूद एक दिन अचानक से ये एम्पायर पूरा मिट्टी में मिल गया। वेल, इनके तबाही की शुरुआत होती है अक्टूबर 7, 1649 में, जब 44 इयर्स के स्पेन के किंग फिलिप फोर ने अपने बच्चे की उम्र की, मतलब 14 साल की खुद की ही नीस मारिया एना से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मानो इनके परिवार पर हमेशा के लिए दुख के बादल छा जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद मारियाना ने 5 बच्चों को जन्म दिया, बट जन्म लेने के कुछ ही घंटों में वो मर जाते हैं और उन 5 में से सिर्फ एक ही बच्चा सरवाइव कर पाता है। बट उसकी जिंदगी भी दुर्भाग्यवश कुछ खास नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किसी बच्चे को नहीं बल्कि किसी राक्षस को जन्म दिया, अ मैन दैट वॉज आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिफॉर्म्ड इनब्रेड, और ये किंग कोई और नहीं बल्कि किंग चार्ल्स टू खुद थे। वही इंसान जिसे इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स के नाम से जाना जाता है, पर हाँ, उनके ब्रेवरी के लिए नहीं बल्कि उनके क्रुएल्टी और डिफॉर्म्ड जॉ के लिए। पर यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि युद्ध करना भी एक कला है। 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी आर्ट ऑफ वॉर बाय सन ज़ू द्वारा लिखी गई ये किताब में ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जो आज के बड़े बड़े जनरल्स और कमांडर्स से लेके कॉमन लोग तक किसी बाइबल से कम नहीं मानते। आपके अंदर बस एक योद्धा का माइंडसेट होना चाहिए। युद्ध के मैदान में जीत कैसे हासिल की जाती है, कम से कम नुकसान और दुश्मन को कैसे हार दिखाए, इन सभी सवाल के जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे। एंड आई नो कि आप बोलोगे, बुक पढ़ने का टाइम किसके पास है आज? वेल, वरी नॉट, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते हुए आप नॉलेज भी हासिल कर सकते हो बाय लिसनिंग टू दिस एंड वैरायटी ऑफ अदर बुक्स इन ऑडियो फॉर्मेट ऑन कुकू एफएम। यहां पर आपको ऑडियो फॉर्म में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, साइंस, बिजनेस जैसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी। और ये सारी ऑडियो बुक्स, माइंड यू, रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कुकू एफएम ऐप आपको बुक समरीज भी देता है जिसके लिए उनके पास 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है। यानी अब जब और जहां चाहो अपनी मनपसंद की बुक खोल सकते हो, अपने मनपसंद के रीजनल लैंग्वेज में आप वो सारा ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीस पर ईयर है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको सीधा 50% ऑफ यानी 199 रुपीस पर ईयर में ये मिल जाएगा। कोड है सुनो 50, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, यूज द कूपन कोड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। बट हाँ, हरी, बिकॉज दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 31st में। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनफैक्ट राजा के इस जॉ के वजह से इसे द बीविच्ड ये नाम भी दिया गया था, और आज भी किंग चार्ल्स को लोग डिफॉर्म जॉ वाले किंग के नाम से ही बेहतर
बेहतर जानते हैं। बट यहाँ पर बहुत कम लोग एक्चुअल में ये जानते होंगे कि 4 साल की उम्र में उन्हें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स और रुबेला जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा था। अपने डीफॉर्म जॉ की वजह से ये ठीक से बोल तक नहीं पाते थे और 8 साल की उम्र तक तो इन्होंने चलना नहीं सीखा था। अपने जिंदगी में उन्होंने कई सारे बीमारियों को फेस किया और 35 ईयर्स की कौली उम्र में उनकी मौत हो गई। अब यहां तक तो फिर भी कुछ भी इतना खतरनाक नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अब चीजें दिखना शुरू होगी। उसके मौत के बाद जब उसकी बॉडी की ऑटोप्सी की गई, तब उस रिपोर्ट में ये सामने आया कि उनके बॉडी में खून का एक बूंद नहीं था। उनका हार्ट सिकुड़कर एक पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च के दाने के बराबर हो चुका था। उनके लंग्स और इंटेस्टाइन्स पूरी तरीके से सड़ चुके थे। ब्रेन में सिर्फ पानी भरा हुआ था और उनके पास बस एक ही टेस्टिकल था जो कोयला जैसा काला हो चुका था। शायद इसीलिए कभी उन्होंने किसी से शादी नहीं की और हैब्सबर्ग की फैमिली ट्री यहीं पर खत्म हो गई। अब आपको यही डाउट आ रहा होगा कि आखिर इनब्रीडिंग में से इंसान की बॉडी इतनी खराब या बर्बाद कैसे हो सकती है। तो वेल, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा डीएनए हमारे मॉम डैड के यूनिक डीएनए के हाफ हाफ पार्ट से फॉर्म होता है और यही डीएनए हमारी क्वालिटीज, फीचर्स और हेल्थ को डिफाइन करता है। अब हमारे डीएनए के सर्टेन ट्रेट्स बाकी ट्रेट्स के मुकाबले ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, लाइक ब्राउन आईज फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू ब्लू आईज। सपोज एक पेरेंट के पास 2 ब्राउन आई कलर के जीन्स है और एक के पास 2 ब्लू कलर के जीन्स। अब इसमें से 4 पेयरिंग की पॉसिबिलिटीज है, लाइक ब्राउन ब्लू, ब्राउन ब्राउन, ब्लू ब्राउन और ब्लू ब्लू। नाउ ब्राउन ब्राउन, ब्लू ब्राउन और ब्राउन ब्लू के केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसकी आंखें ब्राउन ही होगी, और अगर ब्लू ब्लू पेयर ट्रांसफर हुआ ओनली इन दैट केस बच्चे की आईज ब्लू कलर की होगी, व्हिच इज अ रिसेसिव जीन। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज फैमिली टू फैमिली चलते आए हैं, वो सभी रिसेसिव जीन्स के अंदर ही लोकेटेड रहते हैं। और अब मान लो फैमिली में मौजूद दोनों पेरेंट रिसेसिव जीन के कैरियर है, इसका मतलब ये हो जाएगा उनको जो बच्चा होगा उसके 50% चांसेस है कि वो डोमिनेंट जीन्स के साथ आए और 50% चांसेस है कि वो रिसेसिव जीन के साथ आए। और अगर सभी रिसेसिव जीन ट्रांसफर हुए तो ऑफस्प्रिंग या तो डीफॉर्म पैदा होगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। यही वो वजह है जिसने हैब्सबर्ग के वंश को ना आगे बढ़ने दिया और ना ही इतिहास के पन्नों में अच्छे से शुमार होने दिया। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय ये इकलौती फैमिली ऐसी नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में और खास करके जापान, कोरिया, चाइना और इजिप्ट में इनब्रीडिंग करना काफी कॉमन था। अब इजिप्ट के राजा किंग तूटाखमून का ही एग्जाम्पल ले लो। तूटाखमून की 19 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी और उनके मौत के वक्त दिखने में तो वो एक नेचुरल डेथ लग रही थी और इसीलिए उनके बॉडी को बिना किसी ऑटोप्सी के जमीन में गाड़ दिया गया। पर साल 1922 में जब साइंटिस्टों ने वहां की सैंड को स्टडी किया, तभी उनके हाथ तूटाखमून की मम्मी लगी और उस मम्मी ने तूटाखमून के मौत के राज से पर्दाफाश कर दिया। दरअसल तूटाखमून एटेन और उनकी फर्स्ट कजिन नेफरटिटी का बेटा था, जिसने अपने पिता के मौत के बाद 9 साल की उम्र में पिता की जगह ले ली थी। पिता की जगह लेने के बाद कई सालों तक उन्होंने बहुत से राज्यों को अपने नाम किया। उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, पर बिना किसी बीमारी के और बिना किसी लड़ाई के उनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मम्मी की जांच की जा रही थी, तब इनके मौत के पीछे की वजह सामने आई, जो थी अगेन इनब्रीडिंग। रिसर्च के अनुसार उनके सिर का शेप कुछ अजीब सा था। उनका नाक एकदम स्लिम था, लिप्स मोटे और चेस्ट बाहर थी। सिंपल शब्दों में कहूं तो उसकी बॉडी एक लड़की की बॉडी की तरह दिखाई दे रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कर्व्ड स्पाइन से भी पीड़ित थे। उनके लेफ्ट फुट में डीजेनरेटिव डिजीज था जो कंटिन्यूअसली सेल्स को खराब करते हैं और इसी के वजह से उसके पैर की एक भी हड्डी नहीं बची थी और इसी के वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उनकी मौत हो गई। पर ये इजिप्ट का भी इकलौता ऐसा केस नहीं था, बल्कि वहां सभी रॉयल फैमिलीज में इनब्रीडिंग काफी कॉमन था और उन सभी का इनब्रीडिंग के पीछे का मेन मकसद हुआ करता था पावर और प्योर ब्लड लाइन। वो अपनी पूरी जिंदगी अपने थ्रोन को अपने ही पास रखना चाहते थे। पर चलो उनका तो ठीक है, उन्हें इंटरब्रीडिंग के साइड इफेक्ट्स के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं था। बट व्हाट अबाउट टुडे? साल 2008 में नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक फैमिली जिसने अपने बच्चों के लिए परफेक्ट मैच नहीं मिलने की वजह से उनकी शादी एक दूसरे से ही करा दी। शादी के कई साल बाद उन्हें 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे और एक जो बहरा था, जो बोल नहीं सकता था। सो आज जहां पूरी दुनिया इनब्रीडिंग से होने वाले भयंकर अंजाम से वाकिफ है और कई सारे कंट्रीज में इनब्रीडिंग तो बैंड भी है, फिर भी यूके की एक जेनेटिक स्टडी रिपोर्ट में साइंटिस्टों के सामने एक्सट्रीम इनब्रीडिंग के 125 केसेस सामने आए और पता चला है कि यूके में हर 3,000 लोगों में से एक इंसान इनब्रेड पैदा हुआ है।
और वो भी थोड़े दिनों के बाद ही रेड्यूस लंग फंक्शन, रेड्यूस फर्टिलिटी और ऐसे बीमारियों से मौत के घाट उतर जाता है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके अनुसार जैसे जानवरों में इनब्रीडिंग के कई फायदे होते हैं, वैसे ही ह्यूमंस में भी होते हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग इनब्रीडिंग जितनी डेंजरस बताई जा रही है, एक्चुअल में उतनी डेंजरस नहीं होती। वेल, ऐसा कहते हुए आपको कई डॉक्टर्स मिलेंगे तो, बट रिमेंबर, उनके पास इस चीज को प्रूफ करने के लिए अब तक कोई प्रूफ नहीं, और इसीलिए ये डॉक्टर्स ऐसा सिर्फ कहते चले जाते हैं और लोगों को गुमराह करते चले जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या इन ब्रीडिंग ह्यूमंस के लिए डेंजरस है या फिर ये बिल्कुल सेफ है? अपनी राय को नीचे कमेंट्स में शेयर करना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। 50% डिस्काउंट पाओ, यूज सुनो 50 एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।